दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक में बहुत दिन के बाद शानदार तेजी की संभावना आज बनी है। स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस किया और काफ़ी अच्छी तेजी बता रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, वो इशारा ये कर रहा है कि यहाँ पर बड़े फंड हाउस फिर से एक्टिव हुए। निचले लेवल पर स्टॉक गया था और कंपनी के फंडामेंटल देख के लोगों को लग रहा है कि इसमें निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इरेडा में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। अब आप यह क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्या ये 100 का एक तरह से मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सरकार की जो मंशा है वो क्या इस सेक्टर में एक बड़ी तेजी ला सकती है, स्पेशली अगर आप देखें तो इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये काम करती है कंपनी और इसका पूरा पोर्टफोलियो इसी के ऊपर है, ऐसे में क्या इसको फायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,172 के स्तर पर है, जहाँ पे 238 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.33% डाउन है BSE सेंसेक्स। और आज सुबह से ही दबाव में ही शुरुआत हुई, लगभग 50 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत की और ये गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से बाजार लगातार दौड़ा, प्रॉफिट बुकिंग अब हावी हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पे बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ बाजार में नहीं है बल्कि BSE फाइनेंशियल सेक्टर में भी है, 10,440 के स्तर पे 0.29% की गिरावट है। तो एक तरफ तो BSE फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है, उसके बावजूद भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कमाल कर रहा है आज। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 97.50 पर, कल की क्लोजिंग 97.30 के आसपास थी, तो कह सकते हैं लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। लेकिन इंट्राडे में 96 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह है कि काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बड़ा निवेश किया हुआ है 50-60 के आसपास, उनको प्रॉफिट बुक करना था और यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी अच्छी प्राइस थी तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन देख सकते हो कि खरीदारों की जबरदस्त खरीदारी के दम पे स्टॉक ने जो बढ़ना शुरू किया तो इसने 105 का फिर से इंट्राडे में हाई बनाया, काफ़ी शानदार दौड़ लगाई और इस समय 102 के आसपास स्टॉक है, 5.65% की शानदार तेजी बनी हुई है। अगर बाजार साथ दे तो यहाँ पे तेजी 10% तक पहुँच सकती है। आखिर देख सकते हो कि बाजार में जिस तरह से सेंटिमेंट बिगड़े हुए उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला और थोड़ा सा हो सकता है कि और नीचे की तरफ भी क्लोजिंग हो, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। स्टॉक काफ़ी दिन के बाद तेजी के साथ दौड़ने को तैयार हुआ है। अब आप देख ही सकते हो कि 20 दिसंबर को जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, एक तरह से भूकंप आया था ऊपर के लेवल से, 2000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई थी उस समय, इसमें जो गिरावट हुई उसके बाद में जो दूसरे दिन रिकवरी हुई उसमें 4.7% की रिकवरी हुई थी। आप देखिए 21 दिसंबर को जब स्टॉक 109 के आसपास था, आज उससे भी शानदार तेजी है, ये बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 22 दिसंबर की तो स्टॉक 109 के आसपास आया था, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, फ्लैट क्लोजिंग थी। 26 दिसंबर को स्टॉक में भारी गिरावट हो गई, स्टॉक आ गया सीधा 101 के आसपास, जहाँ पे 7.2% की बड़ी गिरावट हुई। फिर बात करें अगर हम 27 दिसंबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 99.80 पर हुई, यानी 100 के स्तर को तोड़ दिया और 2.1% की गिरावट देखने को मिली। फिर 28 दिसंबर की बात करें यानी कल की, तो 97.30 के आसपास स्टॉक आए, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कम से कम 12% की गिरावट हुई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, लगातार गिरावट का माहौल बना, लेकिन आज उसमें काफ़ी भरपाई हो गई है। वॉल्यूम में आज बड़ा इजाफा हुआ है, पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी, लेकिन आज देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ रहा है काफ़ी समय के बाद। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 96 आज का लो है इंट्राडे का और हाई 105 है, एक बड़ा जंप, करीब 9 रुपये का बड़ा जंप काफ़ी दिन के बाद। यहाँ पर अगर हम देखें तो 52 वीक का जो लो रेंज देखें तो 32 का है और जो हाई है वो 123 है, यानी अभी उस लेवल से स्टॉक नीचे है। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि 32 से इसने दौड़ना शुरू किया था, इस हिसाब से करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये खरीदारी का बहुत ही अच्छा मौका है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा वेट करें, अभी इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। लेकिन जो बड़ी अपडेट है कि आने वाले 2024 में ग्रीन एनर्जी सेक्टर कुछ बड़ा धमाका करेगा, क्योंकि सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया। सरकार
विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेगी और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा विश्व के दूसरे देशों में। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है। यहाँ पे सरकार 50 गीगावाट की रिजनेबल कैपेसिटी पाना चाहती है, जैसे कि 50 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल ऐड करनी है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ये कंपनी ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, तो इसको सीधा फायदा इसी को होगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो 2024 है, इसमें जो इस तरह से सरकार ने अपनी संभावनाओं को तलाश, उसमें सरकार पूरा सहयोग भी करी है। सरकार ने PLA स्कीम लॉन्च किया है, स्पेशल देख सकते हो कि जो सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले, इसमें सरकार विंड एनर्जी सेक्टर के लिए भी ऐसी PLA स्कीम ला सकती है, ये उस सेक्टर की डिमांड है। तो इससे बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में आ रहे हैं निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंटर लगातार, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, उनका भी यहाँ पे निवेश आ रहा है। ऐसे में ये सेक्टर कमाल करेगा और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने वाली ये कंपनी जो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, या NBFC काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो ऐसे में ये अच्छा मौका है कि आप इस समय खरीदारी कर ले, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय वेट करें, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक आने वाले समय थोड़ा और नीचे आए, यानी दबाव देखने को मिलेगा, नीचे भी आ सकता है, लेकिन जिस तरह से आज खरीदारी का माहौल बना है ये बहुत अच्छा है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू जो 21.18% रहा है लास्ट ईयर, जहाँ पे 3483 करोड़ की शानदार हमें वृद्धि देखने को मिली है। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव था, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 47.08% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2320 करोड़ के आसपास रहा। तो ये देख सकते हो, ये भी इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, यानी इसका रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि लास्ट ईयर 864.63 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 579.32 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 218% की शानदार जंप देखने को मिली है, तो दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आपका निगेटिव बनेगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है, हायर देन बने। वैसे ये कंपनी सरकारी, इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। अगला पॉइंट न्यूट्रल, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 14.56 है, तो ये उस नॉर्मल रेंज के अंदर है, जो 10-20% की नॉर्मल रेंज है, तो बिल्कुल उसके अंदर ही है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अनचेंज है, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है कंपनी, उसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग भी अनचेंज है, क्योंकि अभी अभी लिस्टिंग हुई है, तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट फिर से पॉइंट, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.56 है, ये हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है, वो दिखा देगा। यानी देख सकते हो कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कंफर्टेबली चुका सकती है, किसी प्रकार की उनको कोई चिंता की बात नहीं। EBITDA मार्जिन कंपनी का अच्छा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है प्रमोटर के यहाँ पे कोई शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, तो आपको यहाँ पे टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, निगेटिव पॉइंट मात्र एक है, ठीक है, और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। तो कुल मिला के इसका जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का। ऐसे में कंपनी की सेहत वाकई में मजबूत है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से सीजू कोटपुतलीकरण का कहना है कि स्टॉक में आप देखें तो खरीदारी की जा सकती है। एक सपोर्ट देखें तो 98 का है, सपोर्ट के ऊपर अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो इस सपोर्ट के ऊपर इस समय स्टॉक है 110 का लेवल टच कर सकता है, यानी 110 को पार करेगा, और एक बार इसने 110 को पार कर लिया तो 123 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और 123 के टारगेट को पार करने के बाद इसके जो आगे के टारगेट दिखाई देंगे वो 131 और फिर 133 के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी आने वाले समय 133 तक जा सकता है। परंतु ये 100 के ऊपर ट्रेड करता रहना चाहिए, अगर 100 से नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे दबाव की स्थिति बन जाएगी। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 123 का एक रेजिस्टेंस है, और उनके हिसाब से देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये नियर टर्म है, उनके हिसाब से 92 का सपोर्ट एक मजबूत है, सपोर्ट उड़ेगा तो 73 तक जा सकता है। तो मिला जुला रुझान है, अभिजीत के हिसाब से यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि नियर टर्म में ये 133 तक जा सकता है। तो फिलहाल ये सीधी राय यही है कि जो इस समय आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा भी इस समय वेट करें। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग सरकार की 75% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 3.94% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी में 1.89% की होल्डिंग ली हुई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो ये भी आपको 3.95% दिखाई देगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की होल्डिंग 2.77% है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास
12.41% शेयर है और अदर्स यानी जो बड़े इन्वेस्टर उनकी 0.54% की होल्डिंग है। तो ज़्यादा शेयर नहीं है जनरल पब्लिक के पास, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ मजबूत है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी शानदार है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है, ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें इसको, या आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।